अपने ज़माने में कोई बड़ा मुहद्दिस नहीं था, बहुत बड़े मुहद्दिस थे दारुल देवबंद के हदीस के हज़रत अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो शख्स ये चाहता है कि सारा साल उसकी रोजी में बरकत रहे, सारा साल अल्लाह आसानी के साथ आफियत के साथ उसको रोजी पहुँचाता रहे, किसी की ये तमन्ना और किसकी नहीं तमन्ना है, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सबकी ये तमन्ना है कि हमें अल्लाह ताला आफियत के साथ पूरा साल रिस्क कुशादा वास्ते बरकत वाला नसीब फरमाए। तो हज़रत फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के चाँद की इत्तला मिलते ही उस रात से पहले पहले यानी सुबह सहरी से पहले पहले 3 मरतबा सूरह फतह पढ़ लेना चाहिए। सूरह फतह 26वें बारे में 26 बारे में है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, 4 रुकू है, 4 रुकू वाली ये सूरत है। इस 4 रुकू वाली सूरत को आज अभी से बेहतर यह है मगरिब इशा के दरमियान पढ़ लें, और अगर कोई मगरिब इशा के दरमियान नहीं पढ़ सकता तो बहरहाल रात को तरावी के बाद घर जाकर सुबह सहरी से पहले पहले इस सूरत को पढ़ लें तो अल्लाह सुबहानहु व तआला सारा साल उसकी रोजी में वसत और कुशादगी नसीब फरमा देते हैं। इसलिए भाई मेरा तो है हमेशा से, जब से मैंने ये सुना, जब से मैंने पढ़ा, इसी तरह मैं हर साल कहता रहता हूँ आप हजरात की सूरह फतह पढ़ लें, अल्लाह ताला पूरे साल आपकी रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। नंबर 3, तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा सैयद महमूद आलोसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई शख्स रमज़ान की पहली रात को सूरतुल मुल्क पढ़े, जो 30 जो है आयतों पर मुश्तमिल है, 30 आयत है उसमें, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला पूरा रमज़ान खैर आफियत के साथ उसका गुजार देते हैं, और उसमें भी अल्लाह सुबहानहु व तआला उसके लिए रिस्क की कुशादगी का इंतज़ाम फरमाते हैं। तो सूरतुल मुल्क 29 सिपारा है, उसमें 30 आयत है और 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत, लिहाजा ये सूरत जो है कोई शख्स सूरतुल मुल्क पढ़ ले तो अल्लाह सुबहानहु व तआला उसके भी पूरे रमज़ान मुबारक में 30 आयत की बरकत से अल्लाह हर दिन की रोज़ी का, बरकत का, रहमत का, मगफरत का अल्लाह इंतज़ाम फरमा लेते हैं। तो इसको भी वैसे भी हम पढ़ते हैं, इस सूरत को इस नीयत के साथ भी पढ़ लेना चाहिए रात को कि अल्लाह ताला हमारे पूरे रमज़ान में खैर व बरकत और आफियत का मामला फरमा। ये 3 आमाल मामूलात हैं, एक दुआ पढ़नी है, दूसरा सूरतुल फतह पढ़ना है जो 26वें बारे में है, और तीसरा सूरतुल मुल्क पढ़ना है जो 29वें सिपारे की पहली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने का अहतमाम करें इंशाअल्लाह, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे पूरे महीने में भी खैर व आफियत रखेंगे और अल्लाह ताला पूरे साल भी हमारे रोज़ी में कुशादगी का इंतज़ाम फरमा देंगे।